गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मटेरियल साइंस। तो आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि हमने ओवरव्यू जाना था कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं, मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम लोग उसके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा जो फिजिकली जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, जो फिजिकली हम देख पाते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे हम लोग का खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी बॉयल होने लगता है, हमारे खाना पक जाती है, तो क्या फिजिकल चीज़ है जो हम देख सकते हैं। तो वो कितने टेम्परेचर पर होता है, तो थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। तो पहला हमारा मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम लोग फ्रिज में क्या रखते हैं, कुछ पानी रखते हैं, क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, वो हम लोग किससे मेजर करेंगे, थर्मामीटर से। तो एक्चुअली इसका जो प्रॉपर्टीज़ है मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, द मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज कैन एग्जिस्ट इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा फ्रीजिंग टेम्परेचर जो प्योर मेटल को, ठीक है, जैसे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड या फिर कभी अदर फेज में एग्जिस्ट करे, स्टेबल फेज में, ठीक है, या तो वो लिक्विड हो या तो फिर सॉलिड हो या फिर अदर फेज हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम फेज होना चाहिए। स्टेबल क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज होना चाहिए। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को जिस पॉइंट पर वो स्टेबल हो जाती है। जैसे अगर सॉलिड है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ से लिक्विड आ गया, तो मेल्ट कितना टेम्परेचर दिया है कि ताकि वो बर्फ़ पिघल के हमारा लिक्विड फेज में स्टेबल आ गया। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने ठंडा करके एक सॉलिड फॉर्म में ले आया, बर्फ़ बना दिया, तो बर्फ़ क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो लिक्विड से सॉलिड बनाने में और सॉलिड से लिक्विड बनाने में जितना टेम्परेचर लगा, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबालने वाला पॉइंट। जैसे हम लोग पानी उबालते हैं तो वो कितने टेम्परेचर पर वो उबलने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बॉइलिंग कितने टेम्परेचर पर होने लगता है, तो इट इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू 1 atmosphere, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या, कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें इसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारे एटमोसफेयर के 1 atmospheric pressure के बराबर हो जाए। यानी कि 746 हमारा क्या होता है, एटमोसफेरिक प्रेशर होता है 1.011 bar। तो ये इतना के बराबर हमारा क्या हो जाए, उस टेम्परेचर रीच कर जाए, प्रेशर इतना क्रिएट हो जाए ताकि हमारा क्या हो, एटमॉस्फेयर के इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर क्या हो, 1 atmosphere के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स हाई एक्सेप्ट मर्करी, हाँ सॉरी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल ज़्यादा होता है एक्सेप्ट मर्करी। सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक सिंगल मेटल मर्करी है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मर्करी का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसको थोड़ा सा भी अगर हीट दिया जाए तो तुरंत क्या होता है, लिक्विड फेज में चेंज हो जाता है। तो एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी को छोड़ के जितने भी सॉलिड मेटल्स है, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, निकल हो, क्रोमियम हो, सभी मेटल्स का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन मर्करी का क्यों कम होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, वो टेम्परेचर ज़्यादा सह नहीं पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, थर्ड है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, जैसा आप जानते हो, घनत्व आपने पढ़ा भी होगा 12th में, घनत्व क्या होता है। तो डेंसिटी सिंपल सा फॉर्मूला है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर हम मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी, इसको kg per meter cube, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट हमारा है लीनियर कोफिशियंट ऑफ एक्सपांसन। जैसा हमने ओवरव्यू में देखा था कि कोफिशियंट ऑफ एक्सपांसन क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर क्या हमारा कोई मटेरियल एक्सपांड करने की प्रवृत्ति क्रिएट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो द लीनियर कोफिशियंट ऑफ एक्सपांसन ऑफ अ सॉलिड डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द लेंथ फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए
एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका लेंथ 1 मीटर बढ़ रहा है, कितना मीटर बढ़ रहा है, तो वो इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ जितना होगा उतना हमारा क्या कहेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्सपांशन उसका ज़्यादा है कम है, तो डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लीजिए हमारा 1 mm का हमारा स्क्वायर का ये प्लेट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का, इधर हमारा मान लीजिए ये 0.5 सेंटीमीटर का है। तो जैसे मैंने 1 डिग्री सेल्सियस हमने हीट किया, इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद ये क्या हो गया, मान लीजिए कि इसका 1.02 हो गया, ये हमारा 0.5 का 5 ही रह गया, तो 0.2 का इंक्रीमेंट हुआ इसका लेंथ में, तो ये 0.2 क्या हमारा कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। तो एक्सपांसन कितना हो रहा है, टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एक्सपांसन कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है ओवर द लेंथ, ठीक है, तो उसका बोलेंगे लीनियर कोफिशियंट ऑफ एक्सपांसन, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले प्रॉपर्टी के बारे में, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर, थैंक यू।